अत्याचारी शासकों के हाथ मातृभूमि जब लुहलुहान होती है तब अपने मातृभूमि के आन बचाने के लिए उसके ही गोद से उठ खड़ा होता है कोई वीर संतान। मराठा कुल तिलक छत्रपति शिवाजी राजे ऐसे ही एक महान योद्धा थे और उनके नेतृत्व में मराठाओं ने पूरे दक्षिण भारत में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। एक ऐसे ही वीर योद्धा ने शिवाजी के स्वराज के भगवा परचम हाथ में लेके मां भवानी को अपना रक्त समर्पित किया। ऐसे ही वीर योद्धा थे प्रताप राव गुज्जर। ऐसे वीर की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। प्रताप राव गुर्जर का असली नाम कुट्टोजी गुर्जर था। वो महाराष्ट्र की गुर्जर वंश में जन्मे थे जो वंश भोसले कुल से ताल्लुक रखता था। प्रताप राव गुर्जर एक महान योद्धा थे। मुगल सेना नायक मिर्जा जय सिंह से युद्ध करने के समय उनका अद्भुत युद्ध कौशल देख के शिवाजी राजे ने उनको सरसेनापति नियुक्त किया था और उनका नाम प्रताप राव रखा था। सन 1665 को पुरंदर के संधि मान के मराठाओं ने बहुत सारे किले मुगलों के नाम कर दिया था। सिंघाद, पुरंदर, लोहागाद, करनाला और माहुली जैसे किले इनमें शामिल था। सिलौर और मुलहर जैसे किले पहले से ही मुगलों के हाथों में था। पुरंदर के संधि के बाद औरंगजेब से मिलने शिवाजी राजे आगरा गए। वहां उन्हें बंदी बनाया गया। वो वहां से दुश्मन को चकमा दे के भाग गए और फिर अपना किला वापस हासिल करने के लिए जुट गए। वागलाद, खंदेश और सूरत में मराठाओं ने अभियान करके बहुत सारे किले अपने नाम कर लिया। मराठाओं के बढ़ते हुए रुतबे औरंगजेब के आँख में खटकने लगा। वो वहलूल खान और इकलाब खान को 12,000 घोड़सवार सेना के साथ सलहोर किला जीतने के लिए भेज दिया। वो लोग 6 महीने से किला को खेल के बैठे थे। इधर मुगल सेनापति दिलेर खान पुना पे आक्रमण किया। शिवाजी राजे पीछे हट गए क्योंकि उनके ज़्यादातर सेना तब पुणे से दूर था। चतुर राजे ने दिलेर खां को सिलौर में बहलूल खां से मिलने का मौका दिया और अपने दोनों सेनापति प्रताप राव गुर्जर और मोरोपंत पिंगले को संदेशा भेजा। शिवाजी का आदेश एकदम स्पष्ट था, उत्तर की ओर जाओ, सिलौर पे चढ़ाई करो और दुश्मन को खत्म करो। आदेश पाने के बाद मोरोपंत पिंगले और प्रताप राव बानी गांव में मिले और युद्ध का योजना बनाया। दोनों सेनापति अपने सेना लेके अलग दिशा में गए। प्रताप राव उनका 20,000 घोड़सवार सेना में से सिर्फ 5,000 सेना लेके मुगल सेना पे आक्रमण किया और सेनापति आनंद राव माखाजी के नेतृत्व में 15,000 सेना को छुपा के रखा। पहले ये आक्रमण से मुगल सेना घबरा गए पर बाद में वो तैयार होके प्रताप राव गुर्जर का पीछा किया। प्रताप राव अपने सेना लेके भागते भागते दो पहाड़ियों के बीच मुगल सेना को ले आए। आनंद राव बाकी 15,000 सेना लेके पीछे से मुगल सेना को घेर लिया। अब मुगल सेना दोनों तरफ से घिर चुका था। युद्ध में उनका करारा हार हुआ। बाकी मुगल सेनाओं पे तब मोरोपंत पिंगले टूट पड़े। इस लड़ाई में मुगलों को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। मराठा दरबार में प्रताप राव गुर्जर एक नायक की तरह सम्मानित किए गए। सन 1674 प्रताप राव गुर्जर को आदिल शाही सिपेसालार बहलूल खान से लड़ने के लिए भेजा गया। नौशारी के पास मराठाओं ने बहलूल खान को घेर लिया। घबराया हुआ बहलूल खान प्रताप राव गुर्जर से अपने प्राण की भीख मांगने लगा। दया धर्म में आस्था रखने वाला प्रताप राव गुर्जर बहलूल खान से ये वादा लिया कि वो फिर से हमला नहीं करेगा और फिर उसे छोड़ दिया। ये बात जब रायगढ़ में शिवाजी महाराजे को पता चला तब वो गुस्से से आग बबूला हो उठे।
उन्होंने प्रताप राव को एक चिट्ठी लिखा कि अगर बहलूल को मार नहीं पाए तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चिट्ठी पढ़ने के बाद प्रताप राव को अपने भूल का एहसास हुआ। तब तक बहलूल खान दोबारा हमला कर दिया था। प्रताप राव गुस्से में तब भी बहलूल खान को हराने के लिए निकल गए। वो जानते थे कि उनके 1200 सेना बहलूल खां की 15,000 सेना का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वो सेना लेके जाते तो ये 1200 सेना का खुदकुशी होती। वो बिना सेना लेके अकेले निकल गए। उनके 6 सरदार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो साथ तूफान की तरह समुंदर जैसी आदिल शाही सेना पे टूट पड़े। वो सब वीर की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। सरदार आनंदराव मोहिते बाकी सेना को सुरक्षित राजगढ़ ले आए। इसी तरह मराठाओं ने अपना एक अनुभवी और वीर सेनापति को खो दिया। शिवाजी राजे को जब यह पता चला तो वो दुख के सागर में डूब गए। प्रताप राव गुज्जर जैसा वीर सपूत के लिए उनकी मातृभूमि हर युग में गर्व महसूस करेगा।